वीडियो स्टार्ट कर दिया मॉर्निंग से, काला पानी आ रहा है इसलिए नल से पानी भरा है। अब बर्तन धोऊंगी इस वाले पानी से। ये अपनी पैंट धो रहा है, इसे बस पानी में ही चाहिए। ऐसे कब धोएगा जब सुसु करेगा इसमें। सही से चला, टंकी सही से नहीं चला, मैं मार दूंगी मैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। स्वागत है आपका यूपी राखी राजपूत में, मैं और आपकी राखी। और शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग की। तो टाइम दिखाती हूँ आपको, देखिए टाइम हो चुका है 10:30। साढ़े दस हो चुके हैं, 10:30 बजे मेरी चावल भी बन चुके हैं और इधर राजमा भी छोक दिया है, बनने लग रहा है। दिखाती हूँ कपड़े वगैरह कितने सारे हो रहे हैं आज फिर धोने के लिए, ये देखिए। और इसे चावल खाने हैं इसलिए ये रो रहा है, इसे अभी चावल करके दूंगी। ये अपने बाबा का ठेला साफ कर रहा है, इसके पापा कर रहे थे ना, ये भी लग गया। ये फिर बाहर पानी का पाइप लेके चल दिया, बस इसे तो पानी दे दो फिर पानी छिड़केगा बाहर, पानी में ही रहे 24 घंटे। लड्डू बैठा हुआ यहाँ आइसक्रीम खा रहा है देखो, और मांगी तो दी नहीं इनने। दियो मुझे भी थोड़ी सी, दियो एक गुड़ का खिला दे। चल अच्छा थोड़ी सी दियो हैं, दे दे नहीं, नहीं देने का रैपट दे दूँ तुझे हैं, थोड़ी सी दे दे नहीं। अब हो गया इनका बैट बॉल खेलने का टाइम, देखो दोनों बाप बेटे खेलने में मस्त हैं। अब ये बैट बॉल जल्दी पकड़ बॉल, थक लो, थका लोगे तुम तो उसे, वो ऊपर नीचे में रहा लोगे। एक मिनट चैन से नहीं बैठता, देखो इसकी कार्टून गिरी, कैसे कार्टून गिरी कर रहा है ये देखो, चाहे गिर जाए। दिखाई दे रहा तुझे? हाँ। अच्छा गिर मत जाइयो, कितने का है टप? 5 रुपए का दे जाओ जी, सस्ता है ये तो, 5 रुपए का दे जाओ टप। पैसे कल को ले जाना है ना, लाओ कल को ले जाना, पैसे है नहीं, नहीं। अभी चाहिए? हाँ। अभी नहीं है हम पे पैसे नहीं है। लड्डू क्या खा रहा है? राजमा चावल छोटी सी प्लेट में अपनी, देखो खेलते खेलते भूख लग गई। बनाएंगे मूली के पराठे, उसके लिए मैंने घिस ली है मूली और प्याज। अब इसमें नमक गेरेंगे, नमक गेर के इसलिए रखेंगे ताकि इसका पानी जो है वो निकल जाए थोड़ी देर के लिए। इसे मिला के रख दिया, पानी निकल जाएगा इसका। आटे में भी थोड़ा सा नमक घेरेंगे, जब इसे मारेंगे सॉफ्ट बिल्कुल। देखो कितना पानी निकला इसमें, दिख रहा
इसमें मिलाएंगे मसाले, धनिया और थोड़ी सी लाल मिर्च, नमक भी मसाले गिर लिया था, इन्हें मिक्स कर लेंगे। बनाएंगे छोटी छोटी दो लोई। ये दो रोटी बनानी है, अब इनके बीच में भरेंगे मूली। ये देखिए ज़्यादा सी, अब ये इसके ऊपर रखेंगे, इससे मूली का पराठा फटने का नहीं है। ये देखिए बन गया मूली का पराठा, अच्छी तरह से गया चारों तरफ से। ये देखिए